दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आप जीमेल आईडी से व्हाट्सएप पर कैसे मैसेज सेंड कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि जीमेल आईडी पर कोई भी मैसेज आपका आया है उसे आपको व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करना है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। दोस्तों उससे पहले जान लीजिए मैं चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, वो तो आपको बताते हैं कैसे आपको यानी कि जीमेल पर कोई मैसेज आया उसे व्हाट्सएप पर शेयर कैसे करना है। तो सिंपल से दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेना होगा। इस तरीके से जीमेल आईडी को ओपन करने के बाद आप कोई भी जैसे कोई मैसेज आया जैसे कि ये ही आया है जैसे हमारा ये मैसेज आया ऐसे आपको कैसे शेयर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते रहिए अच्छे समझ जाओगे आप कैसे करना है। अब सिंपल से दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में कोने पे आपको थ्री डॉट नज़र आ जाएंगे वहाँ पे आपको इस तरीके से टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है प्रिंट का। ठीक है, प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे प्लीज वेट के लिए यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके की खुल के आ जाएगी पीडीएफ खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना जैसे प्रिंटर सेव कर प्रिंटर आप किसी मोबाइल से या किसी कंप्यूटर पे अटैचमेंट करके निकालना चाहते हो तो उससे ही निकाल सकते हो, यहाँ पे आप उस तरीके से सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अपना पेज वगैरह साइज वगैरह कलर वगैरह यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चूज़ करने में दोस्तों यहाँ पे आपको पीडीएफ का एक ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आपको इस तरीके से टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे बिल्कुल राइट हैंड साइड में नीचे बिल्कुल कोने पे सेव का ऑप्शन मिल जाए, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। ठीक है, और इसे मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से करना क्या होगा, अब दोस्तों आ जाना है अपनी फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद सिंपल से डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाली जीमेल आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो पीडीएफ बनाई थी यहाँ पे ये बन के तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थ्री डॉट मिल जाएंगे राइट हैंड कोने में, यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है, सेंड फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, सेंड फाइल पे क्लिक करोगे व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपको देख लेना है किस नंबर पर भेजनी है, हमें इस नंबर पर भेजनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखो आप इस तरीके से ये पीडीएफ शेयर हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से दोस्त आप भी अपनी जीमेल आईडी से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जीमेल आईडी को सेंड कर सकते हैं यानी कि मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।